नमस्कार दोस्तों, AIASL यानी कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के तरफ से नई भर्ती आ गई है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट का एयरपोर्ट में काम करने या फिर किसी एयरलाइंस के साथ काम करने का सपना होता है दोस्तों, तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है किसी एयरपोर्ट में नौकरी करने का। ठीक है, ये जो कंपनी थी ना, ये पहले एयर इंडिया की सहायक कंपनी थी दोस्तों। ठीक है, तो आज इसी वैकेंसी के बारे में, इसी भर्ती के बारे में, A to Z क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फॉर्म कैसे भरना है, फीस कितना है और इंटरव्यू है कि लिखित पेपर है, पूरी डिटेल आसान भाषा में बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज और बता दूं, इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है इस भर्ती में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा हमेशा से एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी है ना, उसमें एज लिमिट, अब पोस्ट कौन कौन सी है वो तो मैं नीचे आप लोगों को बता देगा, लेकिन सबसे पहले एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट बहुत मायने रखता है किसी भी वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो एज जनरल और EWS कैंडिडेट है तो आपको 18 से 28 साल होना चाहिए आपका एज। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे कि ST ST है, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की छूट मिलेगी दोस्तों। और इस वैकेंसी में ना मेल फीमेल ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीस की बात करूं तो फीस आप लोगों को बता दूं, अगर जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है या फिर EWS कैंडिडेट है तो 500 रुपए फीस है। और SC ST और एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 0-0 फीस है। अब एक चीज आ जाता है, देखिए इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल करके या तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना है, ना तो ही इसको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो कैसे करना है आगे आप लोगों को बताता हूं, बस एक चीज पहले बता दे रहा हूं, वो है DD। इसमें डिमांड ड्राफ्ट DD बनवाना है दोस्तों। ठीक है, 500 रुपए का जब आपका फीस लग रहा है तो उसको कहीं जमा नहीं करना है, उसको आपके पास ही रखना है। ठीक है, और DD कहां के लिए पे करना है, पे आपको AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई में पे हो सके ऐसा बनवाना है। ठीक है, पेएबल, ये बात आप पहले जान लीजिए। एक चीज और बता दूं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधी भर्ती है, किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। और देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपको बोलेंगे कि हम पैसा दे देते हैं, आपको लगवा देंगे ऐसा वैसा, तो कुछ भी झांसा में मत पड़िएगा। ठीक है, ऐसा भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं होता, ये आपके परफॉर्मेंस के आधार पे सिलेक्शन होता है इसमें। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास वालों के लिए भी भर्ती है, 12th पास वालों के लिए भी भर्ती है और ग्रेजुएशन या डिग्री पास वालों के लिए भी इसमें भर्ती है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना, ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है दोस्तों, ये बात पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और 3 साल आप पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आप 3 साल अच्छे से काम कर लेते हैं, फिर आपके काम के आधार पर ये वही खत्म नहीं करता, 3 साल में आपको एक्सटेंड करेगा, ये बात आप जान लीजिए। तो कोई भी बंदा अगर नौकरी मिलता है एयरपोर्ट जैसे जगह में, तो वो तो अच्छे से ही काम करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है एक्सटेंड होना तय है सभी का। ठीक है, अब इसके बाद बता दूं दोस्तों, इस भर्ती में सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन सा पद पे भर्ती आया हुआ है। तो उससे पहले बता दूं, इसमें सबसे पहले है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 2 पद है दोस्तों। ठीक है, टोटल इसमें सैलरी कितना मिलेगा, 20,130 रुपए है। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को बता दूं, अगर कोई एक्सपीरियंस के कैंडिडेट है तो उसमें इसमें प्राथमिकता देगा। ठीक है, उसके बाद जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 3 पद है, इसमें 16,710 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तीसरा आपका हैंडीमैन, अब ये हैंडीमैन में भी 8 पद है, 14,310 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद हैंडी वुमेन, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो हैंडी वुमेन 2 पद है, 14,310 रुपए आपको सैलरी मिलेगा। ये तो है दोस्तों इस वैकेंसी का सैलरी और कौन कौन सा पद में कितना कितना वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, सर इसमें तो 2 पद है, 4 पद है, 20 पद है, 100 पद है, ऐसे बोल के फॉर्म नहीं भरता, ऐसे ऐसे कितने बहुत ज्यादा सोचने वाले रहते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, देखिए कभी कभी किस्मत भी साथ देती है और आपके ऊपर भी रहता है, कभी कभी एक पोस्ट भी रहे और अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो ये बात आप जान करके तुरंत अप्लाई करना चाहिए। यही वैकेंसी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, कोई सा भी भर्ती आता है दोस्तों, अगर उसमें
10 भी पोस्ट है ना और आपका क्वालिफिकेशन उससे मैच करता है, ठीक है, तो आप जरूर उस वैकेंसी में फॉर्म फिल करें, चाहे वो कोई सभी स्टेट का हो, कोई सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है, तो रिटन एग्जाम नहीं है तो कैसे होगा, इसमें इंटरव्यू होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला। अब दूसरा पोस्ट क्या है, दूसरा पोस्ट दोस्तों हैंडीमैन और वुमेन के पोस्ट है, तो हैंडी वुमेन और हैंडीमैन, इसमें भी नो रिटन एग्जाम है, किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है, पीईटी होगा। तो पीईटी में क्या क्या होगा, तो पीईटी में दोस्तों आपका वेट लिफ्टिंग हो सकता है, रनिंग होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा। अब एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों, सीधा सिंपल सी भाषा में बस एक ही बात बताऊंगा, वो दोस्तों इसमें देखिए इंटरव्यू और ये पीईटी एक ही दिन भी हो सकता है, एक दिन के अलावा दो दिन तक भी हो सकता है, तो इसमें क्या है, रुकने का खर्च आपके ऊपर डालेगा, वो आप लोगों के लिए रुकने का जगह नहीं देगा, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन इतना है कि जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एक ही दिन में खत्म कर देगा, उसमें क्या है ग्रुप डिस्कशन है और इंटरव्यू तो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अब इसमें देखिए किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है, तो आखिरकार कैसे होगा फॉर्म, तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है, वॉक इन आपको जाना पड़ेगा उस सेंटर में, जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास वो जो फॉर्म होगा फॉर्म को भर देना है, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपके पास 500 रुपए का डीडी बनवाया होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों को लेकर के आपको उनके पास जाना है, ठीक है। अब इसमें सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा ये भी आप लोगों को बता दूं, तो सर्टिफिकेट आपका सबसे पहले 10th पास है, उसके बाद 12th पास है, उसके बाद अगर डिग्री पास वाले वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो डिग्री पास है, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि अगर एससी है, एसटी है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस है तो उनके साथ आपको इनकम प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आधार कार्ड हो गया, ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड पैन कार्ड ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस भर्ती में, ठीक है, इतना ही है और कुछ इसके अलावा नहीं लगता है, ये बात आप जान लीजिए। साथ ही साथ अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो एक्सपीरियंस भी आप रख लीजिएगा, और एक चीज बता दूं, अगर आप आईटीआई किए हैं किसी भी ट्रेड से तो अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, साथ ही साथ अगर आप एनसीसी वगैरह किए हैं तो एनसीसी का सर्टिफिकेट रखेंगे, आपको इसमें छूट मिलेगा। ये तो रही सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, अब बता दूं इसमें इंटरव्यू कितना बजे होगा, तो इंटरव्यू होगा दोस्तों 24 सितंबर 2023 को इसका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू 9 बजे से 12 बजे के बीच में होने वाली है। अब देखिए इसका आपको अभी तक अगर फॉर्म नहीं मिला है तो आप क्या कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ जाइए टेलीग्राम में, आपको डेली नई नई नोटिफिकेशन मिलेगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के भी आप नोटिफिकेशन प्लस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सवाल करते हैं कि ये मैं बहुत सारा रिक्रूटमेंट का बारे में बताता हूं, तो देखिए कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो रेगुलर रेगुलर बोल देते हैं कि ये फेक है, ये वैकेंसी वो फेक है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, जब मैं उस वैकेंसी का लिंक दिया हूं आप उस लिंक में क्लिक करके जाकर के तो देखिए, तब आपको पता चलेगा ना, आप बिना लिंक में क्लिक किए ऐसे बोल दोगे फेक है, हाँ मतलब आप नहीं करना चाहते हो तो मत करो यार, ठीक है, लेकिन किसी का अगर भला होगा ना तो उसको होने दो, ठीक है। ऐसे ही ना आप लोग ना बहुतों का करियर मतलब पड़ोसी समझो यार इन लोगों को, बहुतों को करियर बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखिए 20 से 30 बंदे ऐसे हैं जिनके बाद परसेंट उनका 97-98% है 10th में, ठीक है 10th में बता रहा हूं, मेरिट बेसिस वैकेंसी जीडीएस की पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आया, बगल बगल के लड़के लोग भरे लेकिन उनको नहीं बताया, उन लोग मुझे फोन में आकर के बताया, ठीक है ऐसे भी होते हैं लड़के, ठीक है। और वही लोग ना मतलब दूसरे का हो ना बोल करके ऐसा जा मतलब फेक न्यूज फैलाते हैं, तो ये बात आप जान रही है, आप खुद चेक कर सकते हैं ना, खुद चेक करो जा करके, क्यों दूसरे के बात पे विश्वास कर रहे हो। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के वैकेंसी की जानकारी से वंचित ना रहे, ठीक है। अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आप फॉर्म भर सके, किसी के बातों में ना आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको गुमराह कर देंगे। मैं अपना खुद बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था
मैं जॉब ढूंढ रहा था, तब बता रहा हूँ, मैं किसी से भी पूछता था तो मुझे कोई नहीं बताता था। रोज वो सिटी जा रहा है वो बंदा, वो फॉर्म भर रहा है, लेकिन हम लोग जब पूछते थे उनसे तो वो नहीं बताता था। ऐसा होता है, हर गांव में होता है, हर सिटी में होता है, हर जगह होता है। तो किसी के ऊपर भरोसा ना करें, आप अपना खुद चेक करें। जब मैं बता दिया आप लोगों को वीडियो में ना, आप जा करके उस लिंक में जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है, तभी आप मुझ पर यकीन करना। मैं देखिए दोस्तों, मैं किसी को आप लोगों को झूठा न्यूज नहीं देगा, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। मैं कुछ प्रूफ लेकर के ही आप लोगों के पास न्यूज दे रहा हूं, ताकि बहुत से ऐसे परिवार है ना जिनको जॉब की जरूरत है, ठीक है। कोई बंदा बोलता है कि ये भाषण दे रहा है, अरे तो उन बच्चों के लिए है जिनको जॉब की जरूरत है यार, तुमको नहीं है तो तुम साइड हो जाओ। मेरा कहने की मतलब ये है, ठीक है, तुम पैसे वाले घर के हैं तो तुम साइड हो जाओ ना भाई, जिनको जरूरत है, जो गरीब बेचारे हैं उनको तो नौकरी करने दो, ठीक है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इन लोगों को बातें सुन करके रोना आता है यार, छोड़ो इन लोगों को, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आपको डेली नई नई अपडेट मिलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। लेकिन एक चीज तो बताना भूल गया, इसका जो वो है ना दोस्तों, कहाँ पे होगा इसका इंटरव्यू, आप नोटिफिकेशन के फर्स्ट में ही देख सकते हैं, नोटिफिकेशन तुरंत जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।